एक लीडरशिप खड़ी हो जो इस देश की लीडरशिप को अपने हाथ में ले सके और इस देश को उस तरफ ले जा सके जो जब हमने संविधान बनाया था और जो उसकी कल्पना करी थी। युवा पीढ़ी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि युवा पीढ़ी के सामने उनकी पूरी जिंदगी है। देखिए, हम लोगों ने तो अपनी ज्यादा जिंदगी हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन युवा पीढ़ी के सामने अपनी पूरी जिंदगी सामने है। सबसे बड़े स्टेक होल्डर इस देश के भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी है। दूसरी बात, युवा पीढ़ी के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, सबसे ज्यादा ताकत होती है। तीसरी बात, युवा पीढ़ी के पास सबसे नए नए आइडियाज होते हैं। और आज मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी है कि इस देश में ऐसा युवा नेतृत्व उभर रहा है जिनको इस देश की बड़ी समस्याओं के बारे में भी अच्छी समझ है। इस तरह के लोग जैसे जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, अखिल गोगोई, शैला रशीद, ऋचा सिंह और अनेक जिन लोगों को आज हमने सुना, अनेक ऐसे युवा पीढ़ी के नेता आज इस देश में उभर रहे हैं। और आज इस देश की जरूरत ये है, देखिए हमारी पीढ़ी के लोगों ने तो इस देश को फेल कर दिया, हमारी पीढ़ी के लोगों ने इस देश को फेल कर दिया। इस वजह से हम इस मुकाम पर आज खड़े हैं जहां हमारी सभ्यता ही खतरे में है। इसलिए ये जरूरी है कि आज जो आज की यहाँ की युवा पीढ़ी है इसमें एक नेतृत्व उभर कर आए और आज इस देश में एक युवा और स्टूडेंट्स का आंदोलन, बड़ा आंदोलन खड़ा हो जो इस देश को उस तरफ ले जाए जो हमारे संविधान ने परिकल्पना करी थी, और जो उस तरफ ले जाए जहाँ नफरत की राजनीति के बजाय प्यार की राजनीति हो, जहाँ लोगों को लड़ाने के बजाय लोगों के साथ कोऑपरेट करके आगे देश को बनाने की बात हो, जहाँ देश में समता हो, इतना ज्यादा फर्क ना हो, आर्थिक फर्क ना हो, दूसरे फर्क ना हो, जो हमारे पर्यावरण के लिए सस्टेनेबल हो, ऐसा समाज बनाने की जरूरत है। और जहाँ सब लोगों को वो न्यूनतम चीजें उपलब्ध हो सके जो एक डिग्निफाइड जिंदगी चलाने के लिए जरूरत होती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अब समय आ गया है कि इस देश में एक नया नेतृत्व, युवा नेतृत्व खड़ा होगा, इस देश में एक युवा आंदोलन खड़ा होगा। और वो दिन जरूर आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। जय हिंद, जय भारत।